गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल स्काई हाई ट्रेडिंग। दोस्तों, जिन भाइयों ने कल हमारा वीडियो देखा होगा उनको हो सकता है आज पछतावा हो रहा हो, क्योंकि हमने आज टेलीग्राम पे एक फ्री जैकपॉट ट्रेड दिया था जो सब लोग ने मिस कर दिया होगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं है। दोस्तों, हमने 12 बजे के आसपास अपने टेलीग्राम चैनल में पहले एक पुट का कॉल दिया था, जिसमें हमने ओवरऑल 75 पॉइंट गेन किया। फिर 2 बज के 20 मिनट में हमने क्लियरली कहा था कि मार्केट में एक बड़ा फॉल का सिग्नल मिल रहा है हमें, उसके लिए आप रेडी रहें, पुट को ऐड करके रखें और पुट को बाय करने के लिए तैयार रहें। जी हाँ, 2 बज के 40 मिनट के बाद वो ट्रेड एक्टिवेट भी हो गई और ओवरऑल फिर से हमने 108 पॉइंट का वहाँ मूव कैप्चर किया। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो आप ने 198 पॉइंट्स का गेन आज मिस कर दिया होगा। तो हमारा दिन काफ़ी अच्छा रहा। चलिए देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों, कल है एक्सपायरी का दिन, आपको बहुत ही ध्यान से कल ट्रेड करना है, बिल्कुल ध्यान लगा के लेवल्स पे ही कल ट्रेड करना है। कल के दिन में लॉस से बच के चलें। कल जिस भी बंदे ने अपना लॉस बचा लिया, मेरी नज़र में वो एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर कहलाता है। तो अपना लॉस हमेशा बचा के चलें थर्सडे के दिन। देखिए, मार्केट में कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलना हमें मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि मार्केट आज कंटिन्यूस थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए दिख रही थी हमें। फिर ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ट्रिपल टॉप जैसा कुछ पैटर्न बना है तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में क्या हमें शो हो रहा है। हाँ देखिए दोस्तों, हमने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहा था कि मार्केट आज के रेट में नहीं निकलेगी और वैसा ही हुआ, मार्केट उसके ऊपर नहीं निकल पाई। तो देखते हैं कल क्या करें। कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलने लगती है, डेफिनेटली हम तुरंत एक सीई पे बैठेंगे। टारगेट हमारा जो होगा ये ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, 36950 से लेके 37000, इन दोनों के बीच आके अपने हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। वहाँ अगर फर्दर आगे निकलती है तो सोचेंगे उसके बारे में, पर 950 और 37000 के बीच में हमें ट्रेड एक बुक कर लेनी है। मान लीजिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमें एक अलग मूव देखने को मिल सकता है, और इससे अगर रेजिस्टेंस फेस करती है तो अलग मूव। तो हम दोनों के लिए ही तैयार रहेंगे बिल्कुल। मान लीजिए फ्लैट खुलती है मार्केट और नीचे आने लगती है, तो हमें वेट करना है 36550 का। यह मार्केट अगर 36550 के नीचे निकलती है तब हम एक पुट की पोजीशन लेंगे, अदरवाइज़ वहाँ भी हम एक कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे रिवर्सल के लिए। नीचे हमारा जो टारगेट होंगे वो 36200 तक के हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 36650 क्रॉस करे तभी आप लेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो 70-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन में खुल के अगर डायरेक्ट नीचे आती है मार्केट, फुल स्पीड से अगर नीचे आती है तो भी हम एक पुट की पोजीशन में ज़रूर बैठ जाएंगे। उसके बाद जो टारगेट खुलेगा वो एक लोअर ट्रेंड लाइन है, वो खुलेगा 36200 का। गैप डाउन के सिचुएशन में ऐसे होगा। मान लीजिए गैप डाउन खुल के ऊपर आ जाती है तो वेट करेंगे 36800 का, वहाँ पे हम एक पुट का पोजीशन बनाएंगे। 36800 पे पुट लेंगे, स्टॉप लॉस जो होगा 36880 का स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे पुट के ट्रेड में बैठेंगे। मान लीजिए 100-200 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल जाती है मार्केट, वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के आसपास का। इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो सी, और नहीं निकल पाती है तो हम यहाँ एक पुट का पोजीशन ढूंढेंगे। टारगेट जो उस समय खुलेंगे वो मिलेंगे 36600 से 700 के बीच में। गैप अप खुल के अगर उस स्पीड से ऊपर जाती है तो वेट करेंगे 37100 के क्रॉस होने का। जैसे ही मार्केट 37100 क्रॉस करेगी हम एक कॉल पे बैठेंगे, जो टारगेट होगा 37400 तक का। जी हाँ, कल एक्सपायरी का दिन है, ज़्यादा बड़ा टारगेट हमें नहीं रखना है, लॉस छोटे रख के प्रॉफिट बड़े को हम ध्यान देंगे। कंसिस्टेंसी प्रॉफिट की आपको सिर्फ लेवल पे ही देखने को मिलेगा और कहीं नहीं। हमारे साथ आप जुड़ जाइए ज़रूर,
टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने अपने चार्ट पे लेवल मार्क कर लें और लेवल पे ही काम करें, कल लॉस से बचें ज़्यादा। हम जो भी फ्री कॉल रहेगा वो टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। वीडियो को इतना ही रखते हैं, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे एनालिसिस लाते रहेंगे। थैंक यू।